दोस्तों नमस्कार, सेलेक्ट एएस के करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो ये अभी न्यूज में है क्योंकि जो अपोजिशन पार्टी है इंडिया में वो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है गवर्नमेंट के खिलाफ लाई है। तो ये ऐसा नहीं कि पहली बार लाई है और ऐसा नहीं है कि आखिरी बार लाई है, ये हर समय समय पर आती रहता है। खासकर जब कोई भी गवर्नमेंट जाने वाला होता है, जब उसका 5 साल कंप्लीट होने वाला होता है, उससे पहले जो है अपोजिशन ये चीज़ लाता है क्योंकि गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाने के लिए। और जब भी कभी अपोजिशन पार्टी को सरकार पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाना होता है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो आपका लाया जाता है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है इसलिए अभी इंडियन मीडिया में काफ़ी इस पर चर्चा चल रही है और काफ़ी पॉलिटिकल डिबेट भी चल रहा है। ठीक है, चलिए इसका हर एस्पेक्ट को समझते हैं कि इसको लाने का प्रोसेस क्या है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन है, कितनी बार लाया जा सकता है इसको, और आपका इसका इम्पैक्ट क्या होता है, गवर्नमेंट पे क्या इसका इम्पैक्ट होता है, क्या जो अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो क्या गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है, जितने भी एस्पेक्ट है सब सारे इसमें कवर किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कि इसको क्यों लाया जाता है, इसका जवाब ये है कि जब भी अपोजिशन पार्टी को ये महसूस होता है कि सरकार का बहुमत नहीं है लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में अगर बहुमत नहीं है सरकार का तो वो आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन को ला सकता है। ठीक है, एक ही कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण ये है कि जब भी अपोजिशन पार्टी को सरकार पे प्रेशर बिल्डअप करना होता है तो उस कंडीशन में भी नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाया जाता है। ठीक है, तीसरा कारण, जब भी अपोजिशन पार्टी को कोई मुद्दा डिबेट करना होता है, ठीक है, पार्लियामेंट के हाउस पर, तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाता है और एक बहाना होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, ये अगर एक प्रोसेस है, अगर इसके तहत नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया तो फिर वो जो भी चीज़ पे बोलना चाहे आपका अपोजिशन बोल सकता है। तो इसको कोई भी मुद्दा अगर उठाना होता है ना तो वो उस समय भी नो कॉन्फिडेंस मोशन को पार्लियामेंट में ला सकता है। पार्लियामेंट का मतलब लोकसभा, नॉट राज्यसभा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है इसका कि आपका जो जब भी आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा ये आपका लोकसभा में आएगा ना कि राज्यसभा में। आपको पता है कि आर्टिकल 74 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें क्या कहा गया है कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपके, ये लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है, लोकसभा के प्रति। ये कितने एग्जाम में पूछे गए हैं सवाल कि लोकसभा या संसद, तो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ये संसद के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मतलब राज्यसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। और लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होने का मतलब ये है कि आपको लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। ठीक है, और नो कॉन्फिडेंस मोशन के तहत ये होता है कि चेक करता है कि क्या जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो सरकार है, उसका बहुमत है या नहीं है। कहाँ पर है या नहीं है, लोकसभा में है या नहीं है। इसको राज्यसभा से कोई लेना देना नहीं होता है, इतना स्पष्ट हो गया। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि क्या एक आपका सेशन में कितने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए जा सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक सेशन में, जैसे अभी पार्लियामेंट सेशन चल रहा है आपका, अभी कौन सा सेशन चल रहा है, मानसून सेशन चल रहा है। ठीक है, मानसून सेशन में कितने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए जा सकते हैं, तो एक सेशन में एक आपका लाया जा सकता है, एक से अधिक भी लाया जा सकता है, लेकिन रीजन सबका अलग अलग होगा। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन आपका एक से अधिक लाया जा सकता है लेकिन सबका रीजन अलग अलग होगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ से इस एस्पेक्ट पर गलती आपका हो सकता है। अब चलिए प्रोसेस हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि प्रोसेस क्या होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का और कैसे लाया जाता है। ठीक है, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि कोई भी सरकार तब फंक्शन करती है जब उसका मेजोरिटी हो कहाँ पे, लोकसभा में, राज्यसभा नहीं। लोकसभा क्या है, ये टेम्प्रोरी सदन है आपका, परमानेंट सदन नहीं है। आपका राज्यसभा क्या है, परमानेंट सदन है। राज्यसभा का टेन्योर कितना होता है, 6 ईयर का होता है। लोकसभा कितना होता है, 5 ईयर का होता है। तो 5 ईयर का ये फिक्स टेन्योर नहीं होता है। 5 ईयर का मतलब हुआ कि मैक्सिमम 5 साल तक कोई भी गवर्नमेंट में रह सकती है लोकसभा में। ठीक है, अगर उससे पहले बहुमत खत्म हो जाएगा तो आपका जो गवर्नमेंट है वो कोलैप्स कर जाएगा, फिर नया गवर्नमेंट बनेगा। ठीक है, तो ये मेजोरिटी प्रूफ करने के लिए फ्लोर टेस्ट होते रहता है लोकसभा में। फ्लोर टेस्ट का मतलब क्या होता है कि जो भी आपके चुने हुए मेंबर हैं वो लोकसभा में आएंगे। ठीक है, और वो वोट करेंगे, अगर देखेंगे मेजोरिटी से ज़्यादा, जैसे अभी कितना है, 545 मेंबर है आपका, तो लगभग 275 से ज़्यादा अगर हो जाता है तो आपका बहुमत है और वो सरकार बना रहेगा। अगर मान के चलिए कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा, पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा। दो तरीका है, एक आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन है, एक आपका कट मोशन। ठीक है, कट मोशन, अगर ये दो चीज़ पास हो जाता है पार्लियामेंट में आपका, खासकर लोकसभा में, पार्लियामेंट का मतलब ये नहीं कि राज्यसभा, लोकसभा में, तो आपको गवर्नमेंट को इस्तीफा देना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन पास, गवर्नमेंट को इस्तीफा देना पड़ेगा, या तो फिर से चुनाव होगा या तो कोई सरकार का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो आर्टिकल 75 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो भी आपके मिनिस्टर हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पूरे मंत्री समूह लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है। ठीक है, पूरे मंत्री समूह और इंडिविजुअल मिनिस्टर, जैसे कि एक विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, इंडिविजुअल मिनिस्टर जो है आपका, ये प्रेसिडेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। इसको ध्यान रखिएगा, ये आपको पता नहीं, बहुत लोगों को पता नहीं होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है आपका, ये लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है, इंडिविजुअल मिनिस्टर जो है आपका प्रेसिडेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसको जो लोकसभा में लाया जाता है रूल 198 के तहत लाया जाता है। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन को, इसमें क्या होता है, एक रिटन नोटिस दिया जाता है लोकसभा स्पीकर को। ठीक है, 10 AM से पहले इन्फॉर्म किया जाता है,
और आपका क्या होता है ये मोशन जो है आपका कम से कम 50 लोगों का साइन होना चाहिए, ये जो नोटिस देता है ना स्पीकर को उसे 50 लोगों का साइन चाहिए और आपको 10 बजे से पहले आपको स्पीकर को देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप जो पार्लियामेंट्री सेशन स्टार्ट होता है 11 बजे से, आपका जो सेशन है पार्लियामेंट का 11 से स्टार्ट होता है, 11 से 12 को क्या बोलते हैं बताइए, और 12 से 1 को क्या बोलते हैं, 11 से 12 को बोलते हैं क्वेश्चन आवर, ठीक है, और 11 से 1 को बोलते हैं जीरो आवर, इसको ध्यान रखिएगा। तो 50 लोगों का सिग्नेचर चाहिए तब ये मोशन को एक्सेप्ट करेगा कौन, लोकसभा स्पीकर, ठीक है। स्पीकर इसको एक्सेप्ट कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, ये स्पीकर पर डिपेंड करता है, ठीक है। और ये जो है आपका ना, तो आपका लगभग 10 दिन का इसमें मतलब समय दिया जाता है। ए डेट मस्ट बी विद इन 10 डे ऑफ द डे द मोशन इज एक्सेप्टेड, अदरवाइज द मोशन फेल्स एंड द मेंबर हु प्रपोज इट विल बी नोटिफाइड। समझ में आ गया आपको। अब देखिए, गवर्नमेंट इज अनेबल टू डेमोस्ट्रेट इट्स मेजोरिटी इन द हाउस, करेंट गवर्नमेंट मस्ट रिजाइन। मैं आपको बता चुका हूँ, अगर इसमें मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पाया तो गवर्नमेंट को रिजाइन तुरंत देना पड़ेगा, ठीक है। अपोजिशन पार्टी यूज इट एज ए टूल, ये मैं आपको बता चुका हूँ, अपोजिशन पार्टी जो है इसको एज ए टूल के रूप में यूज करता है गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाने के लिए और डिबेट किसी इशूज पे डिबेट करने के लिए, किसी क्रिटिकल नेशनल इंपॉर्टेंस को उठाने के लिए, ठीक है। तो ए नो कॉन्फिडेंस मोशन बिकम ए व्हीकल एंड इट सेल्फ एस्टैब्लिशिंग यूनिटी इन द अपोजिशन। इससे क्या होता है, जो भी अपोजिशन में पार्टी होता है उसके खिलाफ मतलब उसका आपस में क्या होता है, यूनिटी एस्टैब्लिश होता है। क्यों? क्योंकि सभी एक साथ मिलकर जो है गवर्नमेंट पे सवाल उठाता है, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस इसका वही है कि गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाया जाता है, अकाउंटेबल गवर्नमेंट को ठहराया जाता है, और अगर गवर्नमेंट मान के चलिए कि अकाउंटेबल नहीं है, मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पाएगा, तो गवर्नमेंट को क्या होगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। और इम्पैक्ट क्या होता है, इम्पैक्ट वही कि अगर मान के चलिए कि ये लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है, सबको रिजाइन देना पड़ेगा। अगर ये पास नहीं हुआ तो जो जैसा सरकार है वैसा बना रहेगा। आपको याद होगा 2019 का जो लोकसभा चुनाव था उससे पहले भी आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था, ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था जब राहुल गांधी जो है प्रधानमंत्री मोदी जी को लोकसभा में झप्पी दे दिए थे जाके, ठीक है, काफ़ी न्यूज़ बना था ये वाला मामला। तो जब भी आपका सेशन खत्म होने वाला, जब भी टेन्यूर खत्म होने वाला होता है गवर्नमेंट का, तो जनरली आपका ये लाया जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि पहली बार, कई बार आ चुका है लगभग आपका। इसमें इंदिरा गांधी सबसे ज़्यादा जो है फेस किया नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है, लगभग 15 टाइम्स, ठीक है, कई बार ये आ चुका है आपका, मल्टीपल टाइम्स, ऐसा नहीं कि ये आपका सिंगल टाइम्स है, ठीक है। तो यही आपका टोटल ओवरऑल न्यूज़ था। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो सिलेक्ट आईएएस प्लेटफॉर्म है यहाँ पे मुकाबला इनिशिएटिव चल रहा है, ठीक है, ये आपका काफ़ी नज़दीक आ गया यूपीएससी मेंस और यूपीपीसीएस मेंस। इस पे क्या होगा कि आपको आंसर राइटिंग के लिए रिग्रेस प्रैक्टिस करवाया जाएगा, ठीक है, काफ़ी लोग ज्वाइन हुए हैं। आप भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं इस नंबर पे मैसेज करिए, कॉल नहीं करना है, मैसेज करना है, और जल्दी से ज्वाइन करके अपने मेंस को मजबूत करिए, ठीक है। थैंक यू।